So here we come to the co-main event of the night, Karaj Virk from Asandh, Haryana, a farmer, and Sachin Goyal from Gwalior, Madhya Pradesh, a student. What an amazing matchup. This is a rematch from the first edition in Delhi, which Karaj won. That was best of three. And Sachin now has a chance to come back and get revenge and get the title back. This is for the 80 kg champion's belt. So let's start the first round. पहला मैच स्टार्ट हो चुका है. करज की पोजीशन कुछ बेटर लग रही है, उसमें सचिन को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है, अलर्ट है. दोनों ही डायनामिक प्लेयर हैं अपने अपने. एंगल चेक किया, इसमें फाउल हुआ है करज का, तो करज को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि एक फाउल हो चुका है. अगर वो दूसरा फाउल भी होता है तो लूज कर सकते हैं. और आई थिंक ये मैच जो बहुत जबरदस्त जाने वाला है कि दोनों ही बहुत डायनेमिक खिलाड़ी हैं और दोनों बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करके ही हैं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और स्टैंडिंग पोजीशन से लग रहा है. अगेन करज का, वही मैं पहले बोला था कि करज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने एल्बो पर, अपनी पोजीशन पर, तो करेक्ट रखना पड़ेगा बॉडी को. सो दिस द फर्स्ट राउंड हैज गॉन टू सचिन. यस, सचिन ने पहला राउंड इसको जीता है फाउल पर. तो डेफिनेटली एक प्लेयर के लिए ये भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है कि एक फाउल पर वो हार गया तो उसको मलाल रहता है कि मैं फाइट करके नहीं हारा हूँ, फाउल से हारा हूँ. तो ये एक ऑलवेज ये रहता है क्योंकि अत्री भी फाउल से ही हारा है. अगेन सेकंड राउंड शुरू हो गया है और दोनों ही अच्छी पोजीशन में. ये बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था सचिन ने और ये करज ने पूरा होल्ड किया है उसको, पूरे जर को रोका है सचिन के. दोनों ही पावरफुल हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त पावर ये लगा रहे हैं. अपने पैरों का भी यूज़ करें आप, देखें दोनों ने अपनी लेग की स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहे हैं, लेग का पुशअप पुल ले रहे हैं, पुशअप ले रहे हैं पूरा. और आप अगर देखें उनकी स्ट्रेंथ कैसे यूज़ हो रही है और पूरा जोर अपने बाजू का, अपने फोर आर्म्स का, अपने बाइसेप का, लेग का, पूरा कनेक्ट करके बॉडी को चल रहे हैं दोनों के दोनों. इट्स रियली अमेजिंग. दोनों ही फंटास्टिक वे. बहुत कम ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं जहां पर हो, लेकिन शोल्डर जो है खुल रहा है सचिन का थोड़ा सा यहां पर, वो थोड़ा सा डिटेक्ट देखिए. जहां शोल्डर आपका खुला और लेग आपके गैप अगर खुलना शुरू हुआ तो वहां आपको डिसएडवांटेज. सो द सेकंड राउंड हैज गॉन टू करज. जी, करज ने आई थिंक कुछ कन्वर्सेशन वो फाइट के दौरान वो रेफरी से कर रहे थे जो उसको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज रेफरीज आर डूइंग देयर ओन ड्यूटी. तो उनको थोड़ा सा वार्निंग मिल रहा है कि आप इस तरह से नहीं करें. दोबारा थर्ड राउंड ये शुरू हो गया है. दिस इज बिकमिंग अ रियली टफ वन. पीपल आर शाउटिंग फॉर बोथ ऑफ देम, शाउट्स ऑफ करज करज एंड सचिन सचिन, जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच. People are going crazy. We can see people dancing and yelling out their favorite arm wrestler name. An amazing atmosphere here at the Radio Club in Mumbai. And we can feel the amount of strength wrestlers are required to safeguard their side and to bring the other opponent down. These guys are putting everything into it and you can see that people are loving it. Karaj was looking solid. But an elbow foul in this round. What an amazing match. This is literally the bout of the night so far. Sachin quite confident और करज भी पूरे confident के साथ खेल रहे हैं. करज को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अभी. So we have 1-1. It's a tie so far. Both of the players have taken a round each. ये third round शुरू हो गया है. Referee match करा रहे हैं. Referee grip में दोनों खिलाड़ी. ये दोनों को स्टार्ट हुआ बहुत स्पीड से करज ने लिया है और रेफरी चेक कर रहे हैं कहीं फाउल तो नहीं था. दे आर चेकिंग और वो देखना पड़ेगा रेफरीज की क्या डिसीजन रहता है उनका कि वो टच पिन होने से पहले हाथ बाहर रखे. नहीं है, इट्स बीन गिवन एज 2-1 टू करज. या दिस इज द फोर्थ राउंड. जी, चौथे राउंड में सचिन के लिए बहुत एक टफ टाइम है. ये निकालना पड़ेगा सचिन को, मैच बहुत अलर्ट होकर खेलना पड़ेगा. एंड करज भी इस मैच को जीतने के लिए पूरी जान लगाएंगे, पूरा अलर्ट है वो भी. अब आप देखें कि दोनों की पोजीशन आप देखें, दोनों ने पैर का पूरा सपोर्ट लिया हुआ है. सचिन पहले ही से पैर का सपोर्ट लेकर कर रहे हैं, पैरों का जो लेग पुश जो लेना चाहते हैं वहां पर अपने बॉडी को कनेक्ट करने के लिए. बहुत अच्छा सचिन ने स्टार्ट लिया है यहाँ पर.
फाउल बहुत दिया है। ये फाउल, ये सचिन का जो मोमेंटम था बहुत अच्छा था, उसकी वजह से करज को फाउल होना पड़ा। अगर इस पोजीशन पे अगर सचिन खेलते तो डेफिनेटली वो इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन ये फाउल हुआ। अब करज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सेकंड फाउल ना हो उनका। फिंगर प्लेसमेंट की है, रेफरी ग्रिप में दोनों मैच खेल रहे हैं, प्लेसमेंट आई और ये रेडी गो में बहुत अच्छी सचिन ने अगेन। सचिन का स्टार्ट बहुत अच्छा था लेकिन सचिन को फाउल मिला यहाँ पर। सचिन ने अर्ली स्टार्ट की वजह से थोड़ा सा में भी, तो अभी क्या होता है जब दोनों प्लेयर्स को एक एक फाउल है, सो इट्स स्टिल द सेम राउंड, या सेम राउंड रहेगा। अगर इसमें जब जिसका सेकंड फाउल हुआ वो लूज हो सकता है या मैच जाए। ये बहुत अच्छा मैच, बहुत बढ़िया मैच है, दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है, दोनों अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये फाउल बहुत ज्यादा कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, तो इनको अलर्ट रहना पड़ेगा कि फाउल ना करें और कुछ भी हो सकता है एनी मोमेंट, ये इसमें कुछ भी जा सकता है। स्क्रीमिंग विद इंटेंसिटी, सो देयर यू हैव इट, इट्स टू ईच, टू सुपर प्लेयर्स गोइंग इनटू द फिफ्थ राउंड, टू ईच, व्हाट एन एक्साइटिंग मोमेंट, चीयर्स ऑफ करज एंड सचिन थ्रू आउट द ऑडियंस लाइक अ क्रिकेट मैच। लेट्स गेट टू द अमेजिंग फिफ्थ राउंड दैट डिसाइडेड द क्लिफहैंगर। अभी ग्रिप हाउस हो चुका है, रेफरी ग्रिप ले कर रहे हैं, रेफरी सेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है करज ने, बहुत बढ़िया जो स्टार्ट लिया है उसका एडवांटेज करज को मिला है। एंड इट्स करज वर्क, करज ने द 80 केजीज चैंपियन, ही विंस इट 3-2। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच, द ऑडियंस वाज इनटू दिस, एवरीवन वाज लविंग इट, शोइंग हिज ह्यूमिलिटी, बेंडिंग डाउन ऑन द स्टेज एंड द टेबल, ऑलवेज हंबल, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय करज to win it 3-2 and that went all the way down to the wire. What an exciting match. isme is match ka jo aap momentum aap dekhe 5 round chale hain, 5 round ke andar aap khiladiyon ka dekhe, tino dono hi khiladiyon ne puri jaan lagayi hai isme, koi bhi aisa nahi raha ki koi kisi se kam hai।